ग्रीनविच पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोप लगाया कि पेट्रोल में पानी मिलाकर पेट्रोल पंप बेच रहा है। वहीं हंगामा कर युवक ने बताया कि 3 दिन पहले उसके पिताजी ने ग्रीनविच पेट्रोल पंप से मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराया था और जब मोटरसाइकिल निकली तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। मोटरसाइकिल के टंकी में पेट्रोल के साथ साथ पानी भी दिखाई दिया। पेट्रोल पंप के कर्मियों से बात किया गया, उन्होंने लोगों को गलत ठहराया। कर्मियों ने कहा कि तुम हमारे पेट्रोल पंप से तेल नहीं लिए हो। इसके बाद युवक शोर मचाने लगा। इतने में ही आसपास के लोग जमा हो गए। ग्रीनव्यू से पेट्रोल लिए थे 4-5 दिन पहले, तो अचानक मेरा गाड़ी बंद हो गई। हम चेक करने के लिए तेल जा रहा कि नहीं, तो जैसे ही उसमें हम हाथ दे दिए पूरा पानी आ रहा था, तो हम उसका सारा टंकी का सारा निकाले उसमें से, तो ये निकला। क्या निकला उसमें? तो आधा पानी और आधा तेल। क्या लगता है इस तरह की पेट्रोल पंप की मनमानी कुछ हो रही है क्या? हाँ, मनमानी तो हो रही है। ऐसे मेरा गाड़ी सीज हो सकता था, उसकी जिम्मेवारी लेती क्या ये? वही पेट्रोल पंप कर्मियों का कहना है कि कहीं दूसरे पेट्रोल पंप से तेल लेकर पेट्रोल पंप को बदनाम किया जा रहा है। साजिश के तहत ये लड़का पेट्रोल में पानी मिला करके इसे दिखा रहा है। सारे कस्टमरों के सामने प्रत्येक नोजल से पेट्रोल निकाल कर दिखा दिए, हमारे यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं है। एक बार एथनॉल मिक्स पेट्रोल आया था इंडियन ऑयल द्वारा, जिसके वजह में अगर जिसकी भी टंकी में अगर थोड़ा सा भी पानी है एथनॉल के साथ वो मिक्स होकर रिएक्शन होता है, जिस वजह से ये परेशानी आई थी।